नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सरोकार और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस और सीआरटी स्वाट की एक संयुक्त टीम ने 18 मई 2024 को फर्जी जीएसटी फॉर्म्स का इस्तेमाल कर अरबों रुपए की आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने वाली 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान ऋषभ जैन, तरुण जिंदल और शुभम जिंदल के रूप में हुई। यह गिरफ्तारी दिल्ली और जयपुर से की गई थी। आपको बता दें कि इन अभियुक्तों ने आईटीसी धोखाधड़ी के माध्यम से सरकार को भारी नुकसान पहुँचाया है। अभियुक्त तो पिछले 5 वर्षों से फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर और फर्जी बिलों का उपयोग करके आईटीसी क्लेम कर रहे थे। इस धोखाधड़ी से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। जीएसटी फ्रॉड में थाना सेक्टर 20 सीआरटी और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन 3 अभियुक्तों का नाम शुभम जिंदल, तरुण जिंदल और ऋषभ जैन है। ये मूल रूप से दिल्ली और जयपुर के निवासी हैं और इन तीनों पर 25 साल का इनाम है। ये पिछले 8 महीने से जीएसटी फ्रॉड योजना में वांछित चल रहे थे। इन तीनों का मुख्य काम फर्जी कंपनी बनाना, उसकी फर्जी बिलिंग करना और उसके बाद आईटीसी क्लेम करना था। पहले भी जीएसटी विभाग द्वारा ये लोग अन्य मुकदमों की जेल भेजे जा चुके हैं और अब ये लोग थाना सेक्टर 20 की पुलिस टीम द्वारा हिरासत में, इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्य प्रशिक्षण।